और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल में एकत्रित होकर पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। इसके बाद समाज के लोगों ने रैली निकालकर मानस भवन पहुंचे, जहां पर सर्व समाज के द्वारा पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित किया। बता दें कि मणिपुर में हिंसा हुई, यह आदिवासी समाज का मुख्य मुद्दा रहा। समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर काले कपड़े में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त 1994 से पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय अपने रीति नीति संस्कृति संरक्षण के लिए 9 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। इस वर्ष भी कोरिया जिला के बैकुंठपुर मानस भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। चूंकि वर्तमान में आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार और शोषण हो रहा है, मणिपुर की घटना जो घटी हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और आदिवासी समुदाय उसका घोर विरोध करता है, इसलिए हम लोग आज काले कपड़े में विरोध स्वरूप अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ आज विश्व आदिवासी दिवस त्यौहार मना रहे हैं।